नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर के कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। उनके प्रवक्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में उनकी नियमित रूप से जांच की जाएगी और वह घर से ही अपना कामकाज संभालेंगी। डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जनता को प्रेरित करने को लेकर आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया है। इस पत्र में आईएमए ने लिखा है कि वह वादा करता है कि कोरोना से इस लड़ाई में देश को निराश नहीं करेगा। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और उससे जुड़े रिसर्च सेंटर इन दिनों पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। इनमें कुछ संस्थानों से जल्द ही कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। इनमें से CSIR के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड जबकि 36,000 लोगों पर एक क्वारंटीन बेड है, जबकि देश में 11,600 नागरिकों के लिए एक डॉक्टर और 1826 लोगों के लिए एक अस्पताल है। आपको बता दें कि देश भर में फिलहाल कोरोना के 396 मामले सामने आ चुके हैं। COVID-19 के मद्देनजर राज्यों में लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कई लोग अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। भारतीय शेयर बाजार में आज एक बार फिर लोअर सर्किट लगा है, जिसके कारण BSE का सेंसेक्स 10% यानी 2,991.85 अंक टूटकर 26,924.11 के स्तर पर आ गया, तो वहीं NSE का निफ्टी भी 9.63 अंक यानी 842.45 अंक टूटकर 7,903 के स्तर पर आ गया। निर्वासित PO के नेता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने कोरोना को रोकने के लिए पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू को सराहनीय बताया है। उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति को लेकर कहा, भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों की टीम को हमारी मदद के लिए भेजा जाना चाहिए। मैं लद्दाख के लोगों और भारत सरकार से हमारी मदद करने की अपील करता हूँ। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे राज्य के टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लघु उद्योगों और निचले तबके के लोगों के लिए केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 29,00,000 परिवारों पर बेरोजगारी का असर आ गया है, जिसके बचाव के लिए सहायता मिलनी चाहिए। ICMR के अनुसार भारत में कोरोना के मामले की संख्या 396 हो गई है और रविवार को 81 मामलों के साथ भारत में एक दिन की सर्वाधिक बढ़त दर्ज की गई। बता दें कि इससे पहले शनिवार को एक दिन में सर्वाधिक 69 मामले दर्ज हुए थे। THSTI की डायरेक्टर डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जांचने के लिए भारत पर्याप्त टेस्ट नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन रोकने के लिए भारत का रिस्पांस सिस्टम सशक्त नहीं है, जिससे ऐसे मामलों की संभावना बढ़ रही है। शहीदी दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और BJP के अलावा तमाम राजनीतिक दलों ने उन्हें याद करते हुए नमन किया। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कई सेवाओं व प्रतिष्ठानों को छूट मिली है, जिनमें प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानें, फार्मेसी, मीडिया, डिलीवरी सेवा और मिल्क प्लांट शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व नगरपालिका से जुड़ी सेवाओं और पोस्ट ऑफिस को भी छूट दी गई है। कोरोना को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है। उन्होंने कहा, इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन और अन्य सेवाएं बंद रहेंगी, अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। कोरोना को नियंत्रण करने के लिए झारखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी और सभी दुकानें, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक बाजार आदि बंद रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी द्वारा प्रस्तावित जनता कर्फ्यू को शुक्रिया अदा करने के लिए सड़क पर जमा हुए लोगों का एक वीडियो रीट्वीट किया है। सिसोदिया ने लिखा, ये लोग समाज के कोरोना हैं। कोरोना से पहले इस बीमारी का इलाज जरूरी है, नहीं तो मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की मेहनत बेकार चली जाएगी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा ने बताया कि रविवार को 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में इसके मामले बढ़कर 67 हो गए हैं। उन्होंने कहा, केरल में इसके और मामले रिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि विदेश से लौटने वाले लोग होम क्वारंटीन में न रहकर समारोह में शामिल हो रहे हैं।
मुंबई के मोरलैंड रोड पर सीएए को लेकर पिछले 50 दिनों से जारी असहमति बैठक को कोरोना के मद्देनजर अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। लखनऊ में क्लॉक टावर के पास भी महिलाओं ने अस्थायी तौर पर इसे रोकने का फैसला किया है। वहीं शाहीन बाग में सांकेतिक बैठक जारी है। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमने राज्यसभा के चेयरपर्सन को मेल कर दिया है कि हम कल से संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, जब देश में लॉकडाउन है तो संसद में काम कैसे हो सकता है। चीन में पिछले दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ ऐसे कोरोना का खात्मा नहीं मान रहे। उनका कहना है कि लहरों की तरह अभी कोविड-19 की कई लहरें आ सकती हैं। बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजूमदार शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे सड़कों की तादाद में लोग सड़क पर नाचते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया, यह वो नहीं है जो पीएम मोदी जी चाहते थे। क्या इन्हें समझ नहीं आता कि सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं। तो ये थे दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।